का स्वागत है बाय फर्स्ट स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। चलिए तो करते हैं अपने क्लास की शुरुआत और आज की जो अपनी सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेशन एक बार इसे लाइव हो जाए कॉमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने शुरुआत की है KYC की, यानी कि नो योर कंट्री, जिसके अंदर आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आपके हर पेपर को कवर करती है, चाहे आप रेलवे का पेपर देने जाओ, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो या स्टेट PSC हो। तो ये सीरीज सैटरडे से स्टार्ट हुई थी और आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेट एनिमल्स। बहुत बढ़िया आदि, वेरी गुड तेजस, आशीष, लवली, क्यूटी, प्रीति, आदिकूल हाँ डैडी कूल एंड आदिकूल, क्यूटी, वंदना, तेजस, राजकिशोर, शेफाली, गिरीश, राजू, ममतेश, अनामिका, प्रवीण, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, राधे राधे, मुस्कान, गुड आफ्टरनून। चले तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेट एनिमल्स, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उसके अलावा आपका शाम को जो क्लास चल रहा है अनअकैडमी ऐप पे, वो आपके फ्री क्लासेस हैं, जिसके अंदर अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा एक वीक तक सारे टॉपिक करा दिए हैं। और आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट टू इन द फ्री क्लास, बार बार बोल रहे हैं फ्री क्लासेस में, वो है आपका बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला चैप्टर आज आपका ये रहने वाला है। ओके, रूपा, अंकिता, रंजीता, रावण, अमन, हैप्पी, पुष्प भैया, कैसनवा, गणेश। अच्छा चले तो ऑल आर गुड टू गो। चले फिर टॉपिक की तरफ। सब आगे क्लास में, मुस्कान, शिखा, अरविंद, सोनाली, अमर, चक्रेश, सौम्या, दामिनी, मिष्ठू, अक्षता, मुकेश, अभिषेक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ऑलराइट, चले तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले आपको बता दें कि आपके जो पेड बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ओनली GS के बैच को पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर अभी आपका फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है सुबह 8:30 बजे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो इसके लिए आप शाम को 6 बजे का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी Krati10। ठीक है, आई एम ऑल गुड। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, नाउ बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, मिष्ठी, दी डेथ वैली, अरे वाइसा, ओके शिव, हाँ जी बताइए। चलो बताओ, ताहर, नीलगिरी ताहर, और एक भैया कैसनवा, इसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी ताहर कह रहा है कि मैम मेरा नाम लेने पे GST लगता है क्या? बेटा GST तो आजकल ना हर चीज के ऊपर लगता है, और आई एम डैम श्योर कि आने वाले समय में सांस लेने के ऊपर भी GST ना लग जाए। इसका आंसर होगा नीलगिरी ताहर। ये जो नीलगिरी ताहर है, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए अभी हाल ही में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में तो पाया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, और ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, कहाँ? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला सवाल, नेशनल एनिमल ऑफ पुडुचेरी। मेरे घर के साइड बहुत ही कड़ाके वाली धूप है, बताओ। नहीं, इसे राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायरल, गिलहरी जो होती है वो आपको एज अ स्टेट एनिमल आपका हो या फिर नेशनल एनिमल ऑफ पुडुचेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुडुचेरी जो है ये आपको एज अ यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यूनियन टेरिटरी है इसकी खुद की अपनी विधानसभा भी है। क्या है? इसकी खुद की अपनी विधानसभा भी है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, इनकी भी विधानसभा है, और दिल्ली, इनके भी अपनी विधानसभा है। ठीक है, अगला सवाल, भूटान। भूटान, हाँ सबने तुक्का लगाया था, भूटान।
माही के घर के साइड पे स्नोफॉल हो रहा है भाई, थोड़ा भर लो, थोड़ा थोड़ा हम लोग के घर पे भी भिजवा देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाकिन। क्या है? टाकिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइएगा, नेशनल एनिमल ऑफ श्रीलंका। नेशनल एनिमल ऑफ श्रीलंका, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना, उसको भी यहीं पे मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि कल हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया था, तो उसमें से जो बचा कुचा था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। बताइए। लाइन होगा। आपने फ्लैग तो देखे, ये श्रीलंका का फ्लैग सभी बच्चों ने देखा है, कश्मीर। ओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लायन होगा। आपने फ्लैग देखा होगा, फ्लैग के ऊपर इस तरीके से लाइन जो बना है वो हाथ में क्या होता है, फ्लैग पकड़े हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए अगला। स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय। स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, तेज धूप है, तेज धूप नहीं, चुभती हुई धूप है, कड़क धूप है, और लाइट भी नहीं आ रही है। अरे दादा, बड़ी समस्या है। बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लाउडेड लेपर्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, और वो नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ है? त्रिपुरा के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, नेशनल एनिमल ऑफ सिंगापुर। नेशनल एनिमल ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर कौन जा रहा है? ठीक है माई, थैंक यू। टाइगर, सिंगापुर का टाइगर होगा। इनका भी लाइन होगा, बुल नहीं होगा, इनका भी आपको लाइन देखने को मिलेगा। सिंगापुर की कैपिटल क्या हो जाएगी? सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी हो जाएगी। अगला सवाल, स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है इसकी अभी हाल ही में जो कैपिटल है वो अनाउंस की गई है। कैपिटल क्या हो गई? विजाग, यानी कि विशाखापट्टनम। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैकबक। ब्लैकबक जो है इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर्स जो है वो आपको राजस्थान में भी मिलते हैं, और गुजरात के अंदर भी आपको कंजर्वेशन सेंटर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, रानाक, सलमान खान। अच्छा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय प्रति, ये है टेलीग्राम जिसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है, वही वाला है। ठीक है, रेड पांडा। रेड पांडा बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड पांडा आपको मिलेगा। ठीक है, रेड पांडा जो है वो स्पेसिफिकली यहीं पाया जाता है, इसके अलावा दार्जिलिंग में भी पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे जॉइंट पांडा पूछा जाएगा, अगर जॉइंट पांडा आएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? चाइना में जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जॉइंट पांडा से याद आया, आपको ग्रुप पे एक न्यूज शेयर की गई है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंकी की डेथ हो गई है यूपी के अंदर। अभी उसके ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्या हो गया। अगला, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बताइए। लक्षद्वीप, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बटरफ्लाई फिश। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? डुगोंग फिश। क्या है? डुगोंग फिश। लेकिन डुगोंग फिश के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है वो कहाँ पे होगा? वो होगा तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आई विल। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इंदू। ओके, ग्रीनलैंड, देखो ग्रीनलैंड जो है कैपिटल है नूक, नॉर्थ अमेरिका पे इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, बट इसको रेगुलेट कौन करता है? डेनमार्क इसको रेगुलेट करता है। अब आपको बताना है सिंबल, ए होगा, ए होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? पोलर बियर। ओके, क्या हो जाएगा? डब नहीं है, पोलर बियर है। अगला, नेशनल एनिमल ऑफ ब्राजील। ब्राजील, हाँ
चलिए, इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्राजीलिया, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट एंड अमेजॉन रिवर, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री, जगुआर जगुआर जगुआर, ऑलराइट, इसका आंसर क्या होगा, जगुआर। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं और बांदीपुर नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया। ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा। 73, ऑलराइट, 1973 हो गया। अगला, स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, एक तो अपने रौनक भैया, इनका इनकलाब जिंदाबाद ही नहीं खत्म हो रहा है बेटा, आपको याद होगा ना अपने क्लास में भोपू भैया आते हैं, भोपू भैया का सिलेक्शन दो जगह पे हो गया, अब भोपू भैया की शादी भी फिक्स हो गई, अब शादी फिक्स होने के साथ ही साथ में इंगेजमेंट भी हो गई, इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख लो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक बग होगा, ब्लैक बग, बिल्कुल सही जवाब, ब्लैक बग इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा, स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा, हाँ टाटा मैन्युफैक्चर करती है, बिल्कुल सही बात है, जगुआर कार। हाँ निशांत कह रहे हैं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लांगुर, अंग्रेजी में बोलते हैं लांगुर, हिंदी में बोलते हैं लंगूर, ओके, तो जो अंग्रेजी वाले हैं थोड़ा इसको लांगुर कम पढ़े और लंगूरी ज्यादा पढ़े। चले नेक्स्ट पर आइए, नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए, नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए, मैं तो ग्रेजुएशन ही पूरा कर रहा हूं मैम अभी, बड़ी समस्या है भैया, बड़ी समस्या है। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिशन, क्या हो जाएगा, बिशन, वाइट नहीं, वाइट ईगल नहीं है, बिशन हो जाएगा। अगला, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, हरियाणा और पंजाब जो है इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन यूजुअली बनता है कि ये अलग अलग, ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पे पंजाब, हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पर हरियाणा, हमारे यहाँ आना, ब्लैकबर्ग, इसका भी आंसर ब्लैकबर्ग हो जाएगा। भाई स्नो लेपर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, क्या है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, क्या, स्नो लेपर्ड। अगला, स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका, स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका, हाँ भाई हाँ, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है, बताइए, तुम्हारा भी बीएसएफ में होने वाला है, चलो बहुत बढ़िया, प्रदीप के लिए भी तालियां, आप प्रदीप की भी देखो बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है, हो ही गया उसका, बस मेडिकल होना है, मेडिकल हो जाएगा, एक महीने बाद में मम्मी उसकी शादी फिक्स कर देंगी, फिर उसका भी ब्याह हो जाएगा, देख रहे हो, मतलब आजकल तरक्की जो है ना वो भी आपकी पढ़ाई से हमेशा से जुड़ी थी और आज भी जुड़ी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, एलिफेंट हो जाएगा, और अगर आपसे व्हाइट एलिफेंट्स पूछे जाते हैं तो इधर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थाईलैंड जाना पड़ेगा। चलो बताओ, Which state animal of MP? MP का वेरी गुड, बहुत बढ़िया, CISF में कोमल, गुड। चल ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वाम्प डियर, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि स्वाम्प डियर जो है इसको अभी एक नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया था, तो स्वाम्प डियर जो है वो कहाँ का हो जाएगा, MP का हो जाएगा। अगला है चंडीगढ़, अगला है चंडीगढ़, जिसे कहा जाता है ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू जी, और इसको बनाया गया था ली कार्पोर्सियर के द्वारा, ये कहाँ से, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको रॉड कट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलेगा, रॉक गार्डन्स जो है वो भी आपको यहीं पर मिलते हैं। बताइए, मॉन्गूज, मॉन्गूज करेक्ट, इंडियन ग्रे मॉन्गूज। अगला, झारखंड, अगला है झारखंड,
बताइए। झारखंड। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो एलिफेंट। बिल्कुल सही जवाब है, एलिफेंट इसका भी आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे आएगा स्टेट एनिमल ऑफ यूपी। ये देखो तुमको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसका रीजन ये है कि अभी जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स होंगे ना, थर्ड वाला जो एडिशन होगा वो यूपी में ही होगा, और यूपी का जो मैस्कॉट लॉन्च किया गया है इसके लिए वो क्या है? वो है बारासिंगा, जिसका नाम क्या है? जीतू। क्या नाम है? जीतू। हाँ कोमल, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अभी से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। अगला, बांग्लादेश। बांग्लादेश बताइए। बांग्लादेश, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सुंदरबन डेल्टा वाली जो लोकेशन है वहीं पर सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको मिलते हैं। यूजुअली अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे, रणथंबोर में भी पाए जाते हैं, और यूपी के अंदर भी इनको रखा गया है। स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल। स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ओके, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? मिथुन। क्या बनेगा? मिथुन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, मिथुन इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान। राजस्थान स्टेट एनिमल। राजस्थान, राजस्थान में क्या होगा? गौर, मिथुन। ओके ठीक है, इसमें क्या आएगा? सांभर डियर आएगा। अरे बाबरे, सांभर डियर, सब लोग बता रहे हैं सांभर डियर आएगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चिंकारा। गिरीश बिल्कुल सही, क्या होगा? चिंकारा आएगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। अगला, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को अभी 2019 में यूटी का दर्जा दिया गया है। आज तारीख कौन सी है? 16 मई। आज हैप्पी बर्थडे है किसका पता है? सिक्किम का। आज फाउंडेशन डे है सिक्किम का। कश्मीरी स्टैग, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कश्मीरी स्टैग है, या आप इसको हंगुल के नाम से भी जानते हो। ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क होगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगला, वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी स्पीशी, स्पीशीज ऑफ एनिमल कितनी पाई जाती है? ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा पाई जा रही होगी, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। हाँ, अभी केसरी हिंद जो बटरफ्लाई है उसको अनाउंस किया गया, करेक्ट। जी हाँ, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 10,000 स्पीशीज जो है वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला, नेशनल एनिमल ऑफ चिंग चैंग चू, चाइना। बताओ भैया का भी बर्थडे, अरे आरती हफ्ते वाला बर्थडे। हाँ जी, नेशनल एनिमल ऑफ चिंग चैंग चू, आई मीन टू से चाइना। कोला बियर। कोला बियर, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइनीज ड्रैगन। अगला, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव इंडियन एलिफेंट एज इट्स स्टेट एनिमल। इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर आपको एलिफेंट जो है वो एज अ स्टेट एनिमल देखने को नहीं मिलता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नॉट लिखा है। आसाम। झारखंड। अरे बिल्कुल पगले हो क्या? अभी तो झारखंड में एलिफेंट बोला था, अब कह रहा है किस कान से? झारखंड। अरे नॉट पूछा है बेटा मुन्ना। आंसर क्या होगा? आसाम इसका आंसर बनेगा। आसाम के अंदर आपको एलिफेंट नहीं क्या मिल रहे हैं? राइनोसोर्स मिलेंगे। अगला, स्टेट एनिमल ऑफ केरला।
स्टेट एनिमल ऑफ केरला, क्या होगा ये? दिस इज एलिफेंट, अभी आपने मार्क किया। बिहार बताओ, बिहार, बिहार में आजकल चल रहा है मिशन 60 और आरबीआई ने लॉन्च किया है क्या, 100 डेज कैंपेन। ये एशियाटिक लाइन कौन बता रहा है यार, गुजरात से कब खिसक के यहाँ आ गया। इसका आंसर क्या होगा गौर? इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। अगला, इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट क्यों है यहाँ पर? रीजन बीइंग कायरो इसकी कैपिटल है, नाइल रिवर के किनारे पर है और यहाँ पे COP 27। ठीक है, ईगल, ईगल करेक्ट है, क्या होगा? सिपीज ईगल हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। अगला, एनिमल ऑफ गुजरात, गुजरात गौर दिखता कैसे? आपने कभी बफेलो देखी? बफेलो भैंस देखी? भैंस कुछ कुछ उससे मिलता जुलता, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाटिक लाइन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये याद रखिएगा, एशियाटिक लाइन जो है वो आपको गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे और एशियाटिक लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रासलैंड होता है वो होता है बन्नी ग्रासलैंड। कौन सा है? बन्नी ग्रासलैंड। स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये तो मैंने बताया ही अभी आपको, अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। डुगोंग फिश, क्या है? डुगोंग फिश इसका आंसर होगा, सिर्फ डुगोंग नहीं, डुगोंग फिश, इसी को सी काउ भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को सी काउ भी कहा जाता है। ओडिशा बताओ भाई, ओडिशा वालों, ओडिशा अगले वीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गिर घूम कराओ, बिल्कुल, हाँ जी, क्या बनेगा ये? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सांभर डियर, बिल्कुल सही जवाब है। बट ये याद रखिएगा, ओडिशा के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आपको ऑलिव रेडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार इसके ऊपर सवाल जो है वो पूछा जाता है। अलग अलग टाइप्स के जो क्रोकोडाइल्स हैं वो क्रोकोडाइल्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, इंडिया का सबसे नया नवेला राज्य, क्या होगा ये? स्पॉटेड डियर जो है वो यहां पर मिलेगा। अगला, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्या हो जाएगा? दिल्ली का, अरे दिल्ली में पता है दो टाइगर के छोटे छोटे से कप्स जो हैं वो आ गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट, नीलगाय, क्या हो जाएगा? नीलगाय, नीलगाय सभी लोगों ने देखी होगी, है ना। हिमाचल प्रदेश स्टेट एनिमल, नीतू को देखो कितनी खुशी हो रही है, आगे 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 आगे, स्पैरो डे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पैरो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। स्पैरो जो है वो आपकी बर्ड हो जाएगी बेटा, एनिमल में काउंट नहीं होती है। इसका क्या होगा? स्नो लेपर्ड होगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? जाइंट स्क्वायरल। अगला, नागालैंड, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा मिथुन। मिथुन देख रहे हो, दो तीन का आप देखेंगे तो मिथुन आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला है मणिपुर, अगला है मणिपुर, क्या होगा इसका आंसर? शंघाई डियर, और शंघाई डियर से याद रखिएगा, शंघाई फेस्टिवल जो है वो भी मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आइसलैंड, आयरलैंड नहीं है, आइसलैंड है, थोड़ा ध्यान से, किसके ऊपर वीडियो, क्या बता रहे हो? हाँ, इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जिनको नहीं याद है या जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देखना पड़ेगा। केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर। चिली, चिली सेंटियागो इसकी कैपिटल है।
क्या हो जाएगा ये? दैट इज फोमुल. अगला, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़. पुष्पू भैया आंसर करो, आंसर. वाइल्ड बफेलो. क्या हो जाएगा? वाइल्ड बफेलो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में. ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यूजुअली लोग इसका आंसर कुछ और ही मार्क कर देते हैं. वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इसका आंसर क्या होगा? फिशिंग कैट इसका करेक्ट आंसर बनेगा. मेहरबानी करके इसका आंसर रॉयल बंगाल टाइगर मार्क करके मत आइएगा. अगला है मिजोरम. मिजोरम. अब देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं ना. और फिर जब एग्जाम के मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते बचेंगे, तब उनको होश आएगा कि अरे पढ़ना भी था हमें जीके का पार्ट. और फिर जब आंसर्स नहीं बनते हैं तो क्या होता है? फिर आके कहते हैं कि अरे हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, या हमने रिविजन ही नहीं किया था. तो अपने यार दोस्तों को बोल दो बेटा पढ़ लो, मौका है. इसका आंसर क्या होगा? सेरो. क्या होगा? सेरो. अगला है लद्दाख. अभी मैंने वैसे बता ही दिया था लद्दाख. स्नो लेपर्ड. लद्दाख का क्या हो जाएगा? स्नो लेपर्ड इज द राइट आंसर. जापान. 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 जापान पे इम्पोर्टेंट है भाई. G7 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है. कोई जो है वो कोई मिल गया वाला कोई नहीं, कोई. अगला, जमाइका. वेस्ट इंडीज. जमाइका सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, सॉरी सेंट्रल अमेरिका वाला जो पार्ट है वहां पे आपको मिलेगा जमाइका, वेस्ट इंडीज, ये सब. क्या होगा ये? दिस इज रेड बिल स्ट्रीम टेल. अगला, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. हाँ श्रुति सही कह रही, कोई मिल गया है. इसका आंसर देखो क्या मार्क है यहाँ पे, जरा देखिएगा ध्यान से. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया देखिए क्या मार्क है. अभी देखो यहाँ पे, अभी और भी अच्छे अच्छे आंसर आएंगे. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बस हम देखना चाह रहे हैं कि कितने इसको सही करके बताएंगे. टाइगर होगा. टाइगर होगा बक्का. अगर ये आगे लिखा है तो ये गलत हो जाएगा. देखो वैसे तो टाइगर ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से रॉयल बंगाल टाइगर भी लिखा हुआ मिलेगा तो भी आप टाइगर ही मार्क करके आओगे. पता चला लाइन वाइन कुछ मार्क करके चले आओ. तो ये था अपना आज का सेशन. आई होप कि आपने हर क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया होगा. अब आपसे हम मिलेंगे शाम को 4 बजे, जो कि आपके स्पेशल प्री क्लासेस होते हैं. इसमें आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्वालिटी स्टार्ट करेंगे. आज का टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो भी बच्चे सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स के क्लास को नहीं कर रहे हैं, भाई इतने सारे सिलेक्शन होने के बाद में भी अगर आपको डाउट है कि हमें इस कंटेंट को पढ़ना है या सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में करेंट अफेयर्स निपटाना है, तो भाई देख लो. बट आई इंसिस्ट यू कि सारे क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करिए. पेड क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं. सिर्फ GS पढ़ना है तो ओनली GS के बैच को ज्वाइन करिए. GS मैथ इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. कोड इज प्रतीक. ठीक है, चलो तो मिलते हैं. इसकी PDF अभी हम आपको शेयर कर देते हैं. टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.